तो गाइज अभी हम आए हैं केदारेश्वर महादेव मंदिर कोटा। इस जगह का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेन रोड है, देखिए अंदर चलते हैं। अंदर देखिए दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं, मस्त। वाह, मंदिर तो बहुत अंदर है, वो वाला दिख रहा है। गाइज यहाँ आने का हमारा मकसद तो कुछ नहीं था, हम बस यहाँ दर्शन करने आए थे। देखिए यहाँ से सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, देखिए काफी नीचे है। इस जगह का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत पुराना रूम है, यहाँ पर बेक शिवलिंग। तो गाइस अभी हम चलते दूसरी जगह, यहाँ से थोड़ा आगे और एक जगह है, तो हम उधर चलते हैं। तो गाइस हम आ गए दूसरी जगह, देखिए बाइक वहाँ पे खड़ी है, वो जो था वो भी इससे थोड़ा। देखिए मंदिर सामने, अब क्या करूँ, क्या करूँ, अंदर चलते हैं। मुझे सीधे सारे आ रहे हैं, वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं है, आप ही आओ ऐसे ही करने के लिए आए हैं। ऐसे करी जाए गेट खोल कर अंदर आ चुके अभी। इस तरफ किस भगवान का मंदिर है देखते हैं, चलो। शंकर भगवान जी का ये भी नीचे है, मजा सीढ़ी है, मैं सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ। ये देखिए मैं, मम्मी, मम्मी और पापा, ये भैरू जी है, काले और गोरे, काले और सफेद, अंदर भी भैरू जी है। तो गाइस ये रामदेव जी है ना, उनके पैर है ये, रामदेव जी जो थे उनके पैर है, बाबा रामदेव जी उनके पैर है ये। यहाँ पे शेर, अंदर माता जी है। तो ये रामदेव जी का पैर है, देखिए यहाँ पे त्रिशूल लगे गए, ये जो है ये रामदेव जी थे, बाबा रामदेव। गाइज ये जो है सुंदा माता का बीच में का शरीर है, सर सुंदा, धर कोटे, ये जो है धर है, और पग पिछड़ वाले पार आवर। तो सुंदा माता के तीन टुकड़े हैं, तो ये बीच में का एक शरीर है, ये दूसरा हिस्सा है। तो गाइज फाइनली अभी हम बाहर आ चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आजकल मैं, मम्मी और पापा घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे, मगर मम्मी को दर्शन करने थे इसलिए साथ में आई थी।